बड़ी खबर जो आ रही है वो मुंबई से आ रही है। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने भुज से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज पुलिस दोनों को मुंबई में कोर्ट में पेश कर सकती है। आरोपियों की पहचान विकी गुप्ता और सागरपाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं बिहार के रहने वाले हैं। शॉट में जो नजर आ रहा है आपको वो सागरपाल है और जो टी शर्ट में नजर आ रहा है गुलाबी रंग की वो विकी गुप्ता है। बिहार से इनके ताल्लुक बताए जा रहे हैं, बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। मुंबई में रविवार को ये सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग का मामला सामने आया था उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को मुंबई लेकर आज किसी भी समय पहुंचने वाली है। तो वहीं भुज से इनकी गिरफ्तारी सोमवार यानी कल हुई थी। तस्वीरें आपके सामने, एक विकी गुप्ता है और दूसरा सागरपाल बताया जा रहा, दोनों बिहार के बताए जा रहे हैं। तो आज यहां मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है इन्हें मुंबई लेकर के आएगी, कोर्ट में पेशी होगी और किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है ये तहकीकात करेगी प्रशासन। आपको बता दें सलमान खान के अपार्टमेंट पे फायरिंग हुई थी, गैलेक्सी अपार्टमेंट पर, और 5 राउंड तकरीबन ये फायरिंग हुई थी जिसमें एक गोली उनके बालकनी से भीतर की तरफ गई थी। गनीमत यह रही कि किसी की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई। इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच जारी। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाने वाले दोनों शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनसे तमाम राज उगलवाएगी, मगर उससे पहले जो खुलासे हुए वो भी हैरान करने वाले हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग अचानक नहीं की गई बल्कि पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों शूटर करीब एक महीने से मुंबई से सटे पनवेल में किराए पर घर लेकर रह रहे थे। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने फायरिंग से पहले सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कम से कम 4 बार रेकी की थी। इतना ही नहीं, जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि शूटर सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर हमले की साजिश रच रहे थे और इसकी रेकी भी की थी। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि गोलीकांड के हर पहलू का पुलिस आज ही खुलासा कर देगी। और सीधे मुंबई का रुख करते हैं। साकेत रॉय हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, इस वक्त क्या जानकारी आपके पास, कब तक मुंबई पुलिस इसे लेकर के मुंबई पहुंचेगी और आगे कार्रवाई को लेकर के क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए दोनों ही आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर में वो मुंबई पहुंचेंगे और सबसे पहले उनकी कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी। देखिए, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्होंने लगभग कई दिनों तक मुंबई के इस बांद्रा इलाके में सबसे पहले रेकी की और उसके बाद पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। आप देखिए कि जिस तरह से सुबह रविवार की इस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें लगातार वो पुलिस को कई जगहों पर गुमराह करने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। मैं आपको बताऊं कि रायगढ़ के पेड़ से सबसे पहले उन्होंने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी और उसके बाद पालघर में वो रुके हुए थे। जिस जगह पर वो रुके हुए थे वहां पर कल मुंबई पुलिस की टीम भी पहुंची थी और वहां भी लगातार जांच की गई। जिन लोगों को कल डिटेन किया गया उनसे पूछताछ हुई कि किस प्रकार से लोकल लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, नहीं थे और उन्हें किस प्रकार की जानकारी थी। कुछ सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि वो लोग एक आईडी कार्ड देकर वहां रह रहे थे और आपको बताएं कि पालघर में ही सलमान खान का फार्म हाउस है। अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस घटना को किसी और जगह भी अंजाम दिया जाना था या फिर पहले से ही जो पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से ये पूरा काम किया गया वो रविवार को ही सुनियोजित था या फिर इसके अलावा कई अलग जगहों पर भी क्या सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जब गुजरात पुलिस को इस बात में जानकारी मिली, आपको बताएं कि मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्राइम ब्रांच ने जब वहां की पुलिस से कांटेक्ट किया तो उसके बाद इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में इन आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। टीम बिल्कुल की वो साकेत राय, कुछ देर में गुजरात की क्राइम ब्रांच की टीम, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम का ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन जिसके तहत भुज से गिरफ्तारी दोनों की हो चुकी है। फर्दर डिटेल्स अवेटेड है, मुंबई ये पहुंच रहे हैं, कोर्ट में पेशी होनी। लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे ये टिप ऑफ कहां से मिला जिस पर ये एक्शन हुआ इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही पुलिस की तरफ से, दोनों ही क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात और मुंबई? देखिए, जैसा कि पुलिस की जानकारी दी गई तो पुलिस ने लगभग 15 टीमों का गठन किया था और इन टीमों का ये काम था कि लगातार जो फुटप्रिंट्स हैं
चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों या फिर जिस जगह पर मुंबई के माउंट मैरी में उन्होंने बाइक छोड़ी, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाए। रविवार के दिन ये घटना हुई थी और उसके बाद सोमवार के दिन जब पूरी की पूरी जो ब्रांच खुली, कई जगहों पर छुट्टियां होती हैं, इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए, तो पुलिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए। इसके अलावा जो गाड़ी बरामद हुई उसे वेरीफाई किया गया, जो फुटप्रिंट्स उन्होंने छोड़ा था, खासतौर पर बांद्रा में जो सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुए, वहां से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई कि बांद्रा से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, उसके बाद वो बोरीवली के रास्ते गया और वहां पर सेंटा क्रूज में वो उतरे, उसके बाद वो कहां तक किस रास्ते गए, इस सब की जानकारी सीसीटीवी कैमरे। साकेत, इस तरीके से हमला सलमान खान पे जब हुआ, उनके घर को टारगेट किया गया है, तो क्या जो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा की बात कही जा रही है उनके घर के बाहर की गई है, घर के बाकी सदस्यों को भी किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, क्योंकि नुकसान उनके फैमिली को भी पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो सलीम खान को भी कई बार धमकी भरे लेटर मिले थे और इसी दौरान आपको बताएं कि जिस जगह पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, हर दिन सुबह एक रूटीन होता है कि रूटीन के तहत सलीम खान वॉक के लिए निकलते हैं। आपने कल भी देखा कि वो उसी तरह से निकले, उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो सुरक्षा गार्ड हैं वो भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि वाई प्लस सिक्योरिटी करने के पहले सलमान खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। मैं आपको तस्वीरों में लेके चलता हूँ सीधा, आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर सलमान खान। बिल्कुल साकेत, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है। दोनों आरोपियों को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम किसी भी समय मुंबई पहुंचेगी, फिर कोर्ट में पेशी होगी। कुछ और डिटेल्स अवेटेड, हम लौटेंगे उनके लिए आपके पास। बिल्कुल, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में कई सारे बड़े खुलासे हुए जो की हैरान करने वाले हैं। अपने आप में एक रिपोर्ट पर नजर। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर दो लोगों ने गोलीबारी की। मुंबई पुलिस ने बताया कि वो लॉरेंस विश्नोई गैंग के आदमी थे। बाद में लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। इस हमले के बाद सलमान के कई करीबी लोगों की तरफ से दावा किया गया कि सलमान डरे नहीं, उन्हें बस अपने परिवार की चिंता है। ऐसी खबरों के बीच अब अरबाज खान ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। अरबाज ने कहा कि ऐसे सभी बयान गलत हैं। उन्होंने लिखा कि बाइक सवार दो हमलावरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की, जिससे हम काफी परेशान हैं। इस घटना से परिवार को सदमा लगा है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग परिवार के करीबी होने का दावा कर रहे हैं और प्रवक्ता बनकर मीडिया को गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और परिवार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जो बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह के बयानों को गंभीरता से ना लें। सलीम खान के परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया के सामने जाकर इस घटना पर बयान नहीं। Z News.